हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ इच्छा देवी मंदिर, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र में अगर इच्छा देवी नहीं आए तो क्या घूमा। तो इसीलिए आज बहुत मजा आने वाला है अंदर। तो यह है पीछे इसका एंट्री गेट, इच्छा देवी मंदिर। दोस्तों जो है वो इच्छापुर गाँव के अंदर ही है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये गेट दिख जाएगा और ये गेट हाईवे के ऊपर ही है। तो देख सकते हो यहाँ पर सामने से हाईवे है और जस्ट उसके पास से अगर आप इस साइड में देखते हो तो आपको दिख जाएगा इच्छा देवी मंदिर का गेट, और यहीं से सीधा हमको अंदर जाना है। तो चलिए अंदर निकलेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्राउड काफी रहता है कि जितनी गाड़ियाँ दिख रही है आपको, जितनी गाड़ियाँ आ रही है, और ये सारी गाड़ियाँ गाइस मंदिर से ही आ रही है, तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है और काफी क्राउड रहता है यहाँ पे। तो अभी जाके देखते हैं, वहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है वहाँ पे। लेकिन देखिए पब्लिक कितनी रिटर्न हो रही है, और जितनी पब्लिक रिटर्न हो रही है उतनी पब्लिक वापस जा भी रही है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे और यहाँ पर है पार्किंग, और पार्किंग में देखिए क्या माहौल है। तो काफी ज्यादा गाड़ियाँ है और अभी हमने पार्किंग वहाँ पे लगा दी है और सरफराज ने गाड़ी की पार्किंग की चिट्ठी पढ़वाई है। तो 5 रुपए के अंदर यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाइक और 4-व्हीलर का टिकट शायद अलग होगा। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए अभी मंदिर जाएंगे और देखते हैं क्या माहौल है मंदिर का भी। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद में अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे, और देखिए ये है मंदिर का द्वार पीछे साइड में। तो यहाँ पर मंदिर का द्वार है और पब्लिक देखिए कितनी ज्यादा है, क्राउड बहुत ज्यादा है गाइस। लेकिन नज़ारा देखिए यहाँ के, यहीं पर नाश्ते पानी की दुकानें भी लगी हुई है, और जस्ट इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी पूरी दुकानें हैं तो खाने पीने की। और जस्ट यहाँ पर इसका एंट्री गेट, यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। और पब्लिक काफ़ी है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। और देखते हैं मंदिर कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। चारों तरफ है ना यहाँ पर दुकानें लगी है जहाँ पर आप पूजा का सामग्री और सारा सामान मिल जाता है, सिरनी वगैरह जो भी आप ऊपर चढ़ाते हो तो सारा सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है, इसलिए वॉइस जो मेरी हो सकता है थोड़ी सी आपको कम आए, लेकिन मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस साइड से ये कोने से लेके तो आप अगर पूरा कोने तक देखते हो तो उस कोने तक आपको पूरी दुकानें दिखेंगी, और सेम उसी प्रकार से वहां से लेके इधर भी पूरी दुकानें हैं। तो आपको करीब से भी दिखाऊंगा। और एंट्री गेट से थोड़ा सा ही अगर हम आगे चलते हैं तो ये है फाइनल मेन एंट्री गेट, और यहाँ से हो जाती है मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कुछ पब्लिक को जमा कर रहे हैं, उसके बाद इकट्ठा छूट रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्राउड ज्यादा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्था संभालना पड़ता है, और पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ था। लेकिन प्रशासन इसको काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, और सीढ़ियों पे ज्यादा भीड़ ना हो इसीलिए देखिए यहाँ पर रोक दिया जा रहा है, और धीरे धीरे करके कुछ पब्लिक को जाने दिया जाता है और कुछ पब्लिक को रोक दिया जाता है। फिर जैसी भी पब्लिक रिटर्न होती है फिर ये पब्लिक को फिर छोड़ा जा रहा है। तो काफी अच्छी व्यवस्था जमा के रखी है। हेलो भैया, सवरने जी, ओ भैया भाई, थोड़ा सा ही अब आगे आते हो ना तो देखिए क्राउड बहुत ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी रखी गई है, और ये है आयुष विभाग की तरफ से। और देखिए यहाँ पर मेडिकल की पूरी सुविधा है, और यहाँ पर गोली दवाई वगैरह सारी सुविधा रख के रखी है, तो काफी अच्छी व्यवस्था है। गाइस थोड़े से आगे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर, तो यहीं पे धान पेटी भी लगी है। गाइस आज क्राउड देखिए कितना ज्यादा है, आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां तक आपको पब्लिक दिखेगी। फाइनली गाइस 2 घंटे की मेहनत के बाद में अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और देखिए मेरे पीछे जस्ट पीछे है मंदिर। तो ये है माता का मंदिर, और अभी यहाँ जाना है बस। आप ये लाइट जब भी छुटेगा तो हम सीधा मंदिर के अंदर जाएंगे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब करीब हमको लगे है 2 से 2.5 घंटे। गाइस यहाँ तक तो हमने वीडियो बना लिया है, लेकिन मंदिर के अंदर की परमिशन नहीं है, तो इसीलिए मंदिर के अंदर हम कैमरा बंद कर देंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम मंदिर में से आ चुके हैं, और अंदर कैमरा चलाने की परमिशन नहीं थी, वीडियो रिकॉर्ड करने की और भी कोई परमिशन नहीं थी, तो हमने कोई शूट नहीं किया है। मंदिर से जैसे आप पीछे साइड में उतरते हो तो कुछ लोग यहाँ पर फोटोशूट करवा रहे हैं,
तो अगर आप फोटोशूट करवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है मंदिर के जस्ट नीचे सीढ़ी के पास, दोनों साइड दिख जाएगी आपको, इस साइड भी और इस साइड भी आपको दिख जाएगी, यहाँ पर फोटोशूट की सुविधा है। आप कुछ बोलने के लिए वॉइस ओवर करेंगे अरे कैसा टेंशन भाई, यहाँ पर काफी अच्छा मेला भरा है, मतलब काफी ज्यादा पब्लिक है और मेला बहुत बड़ा भरा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी छोटा होगा, लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ घूमे तो पता लगा कि काफी बड़ा मेला है। और देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आपको समझ में आया कितना बड़ा मेला है ये। देखिए इधर भी पूरा लंबा है और इस साइड से अभी हम उतरे हैं और इधर भी पूरी दुकानें हैं और यहाँ से इधर बाहर निकलेगा और चारों तरफ गाइस पूरी दुकानें लगी हुई है, काफी बड़ा मेला भराया है इनका। चलिए गाइस तो अभी हो चुके हैं हमारे दर्शन वगैरह और देखिए ये वही एंट्री गेट है जहाँ से हम गए थे अभी, तो अब इस मंदिर से निकलते हैं और अभी हमने जो गाड़ी पार्क करी थी वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर निकलेंगे हमारे घर की ओर, क्योंकि हमारा घर काफी यहाँ से करीब 70 से 80 किलोमीटर हमारा घर दूर है, तो इसलिए जाने में भी कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे, तो गाड़ी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो अभी हमने हमारी गाड़ी ले ली है और अब निकल रहे हैं हमारे घर के ओर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पार्किंग है वो लेते हैं मात्र 5 रुपए बाइक के, तो 5 रुपए देना पड़ता है, ऐसे रिस्क ना उठाए बाहर गाड़ी ना खड़ी करें। और दूसरी एक और चीज़ है, यहाँ पर हम जितनी देर रहे उतनी देर के अंदर कम से कम 4 से 5 अनाउंसमेंट ऐसे हुए जहाँ पर किसी का बच्चा वहाँ छूट जा रहा था और वो बच्चे के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा था, तो यहाँ पर आए तो अपने बच्चे को जरूर संभाले क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।